हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैक वेजी बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। मैकडॉनल्ड जैसा मैक वेजी बर्गर अब आप घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं और बर्गर बच्चों और बड़ों दोनों को ही काफी पसंद आती है। तो चलिए मैक वेजी बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पीस बर्गर बंस, 2 से 3 पीस पत्ता गोभी के पत्ते, 2 पीस चीज स्लाइसेस, 5 से 6 पीस उबला हुआ आलू, फ्रेंच बीन्स 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, गाजर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, हरा मिर्च 2 पीस बारीक कटा हुआ, फ्रोजन मटर 2 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून, टमाटो स्लाइसेस 5 से 6 पीस, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बॉइल्ड कॉर्न 2 टेबलस्पून, 5 से 6 पीस अनियन स्लाइसेस। मसालों में हमें चाहिए 1/3 टेबलस्पून पेपर पाउडर, 1/3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक या स्वादानुसार, चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, मेयोनीज 2 टेबलस्पून, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स 5 टेबलस्पून, ऑयल टिक्की को फ्राई करने के लिए, अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें उबले हुए आलू डालेंगे और हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह मैश कर लें। आप यहाँ किसी फोर्क या मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए हमें आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे, कटी हुई फ्रेंच बीन्स 2 टेबलस्पून, मटर 2 टेबलस्पून, गाजर 2 टेबलस्पून, कॉर्न 2 टेबलस्पून, प्याज 2 टेबलस्पून, अदरक 1/2 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा मिर्च, मसालों में हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 छोटी चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वेज टिक्की बनाने के लिए मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसमें हम टिक्कियों को डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे डीप फ्राई करेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। ऐसा करने से मसाला हमारे हाथों में लगेगा नहीं। तो आप थोड़ा ज्यादा मसाला लें, क्योंकि टिक्की को हमें नॉर्मल टिक्की से थोड़ा बड़ा बनाकर तैयार करना है। हमें इसे बर्गर बन के हिसाब से उस साइज का बनाना है, तो आप थोड़ा बड़ा
ज्यादा मसाला लें और इसे गोल गोल घुमाकर चिकना कर लें और फिर हाथों की सहायता से हल्का हल्का प्रेस कर इसे टिक्की का शेप दें। बर्गर के लिए हमें इस साइज की टिक्की बनाकर तैयार करनी है, तो अब हम इसे स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। ऐसा करने से टिक्की में हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट होंगे। टिक्की को हमें दोनों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं टिक्की को हमने ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर लिया है, तो इसी तरह अब हम दूसरी टिक्की भी बना लेते हैं। हाथों में ऑयल लगाकर चिकना कर लेंगे और एक बड़े साइज का लोई तोड़ेंगे और उसे एक टिक्की का शेप देंगे और इसे स्लरी में डिप करेंगे हम, ताकि हमारा ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो जाए। मैं इस प्रोसेस को दो बार कर रही हूँ ताकि हमारा टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। आप चाहें तो इस प्रोसेस को तीन बार भी कर सकते हैं अपने टिक्की को क्रंची बनाने के लिए। आप देख सकते हैं दोनों टिक्कियां बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे 20 से 25 मिनट फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। ऑन कर कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख दें। 25 मिनट हो चुके हैं और टिक्कियों को भी हमने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम इस टिक्की को डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। को मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया है, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। टिक्की को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि टिक्की हमारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो अब हम इसी तरह अपनी दूसरी टिक्की को भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम बर्गर बन को एक नाइफ की हेल्प से इसे बीच से काट लेंगे और इसे दो भागों में बांट लें आप। और इसी तरह हम अब दूसरे बर्गर बन को भी काट कर तैयार कर लेंगे। बर्गर बन को हम 1 टेबलस्पून ऑयल या बटर का इस्तेमाल करके इसे हल्का पैन में टोस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस प्रोसेस को कर भी सकते हैं या फिर प्लेन बर्गर बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपने वेज बर्गर को अरेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बर्गर बन का एक हिस्सा लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे और इसे अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पत्ता गोभी के एक पत्ते को हम बर्गर बन के ऊपर रखेंगे और इसे हल्का हाथों से प्रेस करते हुए इसे सेट कर देंगे। हमने जो वेज टिक्की बनाकर तैयार किया है उसे इसके ऊपर रख देंगे। अब हम टमाटो स्लाइसेस लेंगे और इसमें से 2 टमाटो स्लाइसेस टिक्की के ऊपर डालेंगे। अब हम अनियन स्लाइसेस लेंगे और इसमें से भी 2 पीस अनियन स्लाइसेस टिक्की के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर एक चीज स्लाइस डालेंगे। बर्गर बन का दूसरा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो दूसरे हिस्से में मेयोनीज लगा कर रखा था उसे इसके ऊपर रख देंगे और हल्का हाथों से प्रेस करेंगे। देख सकते हैं कि वेज बर्गर अरेंज होकर बिल्कुल तैयार है। वेज बर्गर को आप मसालेदार फ्रेंच फ्राइज और टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मैक वेजी बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।